स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ कार सिंह और भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं ना इवेंट के बारे में। तो भाई ऑनेस्टली बताता हूँ कि एक दो दिन हमारे वीडियोस नहीं आए क्योंकि ऑब्वियसली मेरा जो माइक था वो थोड़ा ख़राब हो गया है और मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया पर अभी तक आया नहीं है, पर होप जल्दी आ जाए। तो हम लोग ये जब इवेंट के बारे में बात करें भाई, पहले ही बताता हूँ ये 7 डे इवेंट है और 7 दिन तक चलेगा। बीच में आपको एक और पोकेमोन एक्सचेंज देखने को मिलेगा जहाँ पर थोड़े और बेहतर पोकेमोन होंगे। फिलहाल के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा ही बेहतर पोकेमोन होंगे और मेरा किस्मत जो था इस बार थोड़ा अच्छा रहा। पता नहीं कैसे मेरे को 3333 क्रिस्टल्स मिल गए जो मेरे ख्याल से मैक्स इतना ही जा सा मिलता है नॉर्मली, या फिर 4444 तो शायद ही मैंने किसी को देखा हो मिलते हुए, पर हाँ कभी कभार मिलते हैं लोगों को, उससे ज़्यादा मैंने अपने लाइफ में आज तक नहीं देखा किसी को मिलते हुए। तो मेरे को यहाँ पर सैंड बैग चाहिए, एक्चुअली लार्ज वाले चाहिए और मेरे को कहीं मिल नहीं रहे। और ठीक है आज भी नहीं मिले, कोई ना, जैगर के शर्ट्स मेरे को मिल गए वो अच्छी बात है, बाकी सब यहाँ पर जाने देते हैं। VIP 5 होने का यही थोड़ा एक छोटा सा फ़ायदा है जो मिल जाता है। आप सोच रहे हो कि भाई मैं लेजेंडरी बॉक्स #4 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये मूव्स तो निकाल दिए गए हैं। बस इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्या पता कभी दे दिए और एकदम से सिर्फ एक ही दिन के लिए दें और मैं नहीं चाहता कि मैं वेव्स मिस करूँ, तो इसीलिए सेफ्टी के लिए बना रहे हैं। मेरे को पता है ये सपना अभी पूरा नहीं होने वाला, पर सपना देखने में क्या अर्ज है। तो अभी हम लोग यहाँ पर इवेंट की बातें करते हैं। 7 दिन का इवेंट मैंने बता दिया आपको। पोकेमॉन देखते हैं कैसे अच्छे हैं, ये देखने लायक है या रखने लायक है। तो भाई हम लोग बात करते हैं पोकेमोन्स कैसे हैं। तो मेरे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। पहले हॉन्डूम, हैलोवीन हॉन्डूम सारे हॉन्डूम से ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि इसके वीकनेसेस कम है, फेरी और इसके अलावा शायद ही आपको कोई इसका वीकनेस दिखे, पर मैं बताना चाहूँगा ये ज़्यादा अच्छा है, मतलब नॉर्मल हॉन्डूम से कहीं गुना लाख गुना ज़्यादा अच्छा है। वीकनेसेस कम होते हैं और नॉर्मली हॉन्डूम लेफ्टओवर्स के साथ थोड़ा अच्छा डिफेंसर भी होता है और इसे आप बस एवेकिन 1 कर दो उतना ही काफ़ी होगा, आपको इसे आरसीएल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस अगर आप एस सर्वर से हो तो इतना ही काफ़ी होगा, इस सर्वर आप मेगा ही बना लो आपके लिए उतना ही काफ़ी होगा। सूट टाइप या ऑफ सूट टाइप सब में अच्छा परफॉर्म करता है। लूडीकुलो इतना कुछ खास नहीं है तो मैं आपको कहूँगा नहीं वेस्ट करो। ये जो सेंसलेस है ये भी अच्छा है, पर नॉर्मल सेंसलेस भी ऐसा ही जैसे ये है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बस एक आर्टू मूव का फर्क आपको दिखेगा और एक एक्स्ट्रा एबिलिटी आपको दिख जाएगी, पर इसके अलावा इस पर ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं नॉर्मल सेंसलेस ज़्यादा रिकमेंड करूँगा क्योंकि दोनों का काम एक ही है, बस रैपिड स्पिन तो लगाना है आपको और उससे इसे रखने से ज़्यादा अच्छा आप एक फोर्टिस ना रख लो, काम तो दोनों का एक ही है। माइलोटिक विजडम वाला वो ये भी बेकार है, पर एलिगेंट वाला ज़्यादा अच्छा है, तो विजडम वाले के लेने के पर सोचना भी मत क्योंकि ये बस सिंपल माइलोटिक जितना ही अच्छा है क्योंकि दोनों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं दिखता मेरे को। ये जोरोआर्क बहुत अच्छा है, फायर टाइप जोरोआर्क। अगर मैं डार्क सूट यूज़र होता और मेरे सूट में जोरो जैसे पोकेमोन होता तो मैं इसके सारे जोरोआर्क के वेरिएंट्स बना के रख लेता टीम। एक फायर वाला भी चाहिए मेरे को, डार्क वाला भी चाहिए मेरे को, वो ग्राउंड वाला भी चाहिए क्योंकि हाँ जोरोआर्क है तो मुमकिन है भाई ये जीता सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा ओपी पोकेमोन होता है, मेरे को इतना पहले इसके बारे में पता नहीं था, पर क्राइफ्टिस से हारने के बाद ना मेरे को पता चल गया कि भाई ये पोकेमोन महंगा तो नहीं है भाई, ये बहुत इजी है। SR कैटेगरी में सबसे ज़्यादा इजी पोकेमोन होता है, सबसे ज़्यादा सस्ता पोकेमोन आता है ये, पर ये ओपी बहुत है। गुडरा की नहीं बात कर, गुडरा एक्चुअली घटिया ही होता है, चाहे नॉर्मल गुडरा हो ये बस एनिमे में देखने लायक क्यूट होते हैं पर यहाँ पे इसके ज़्यादा यूजेस नहीं होते। तो भाई बाकी सारे गुडरा की तरह ये भी वैसा ही है, बस देखने लायक है, बड़े बड़े कान, खूबसूरती थोड़ी सी, पर ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये 12 सिंगा बहुत ओपी है। हमने अपने नए पोकेमोन्स के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया, पर वीडियो के आगे मैं बता दूंगा इनके पास कौन सी एबिलिटीज़ है, कौन से मूव्स हैं, जी मूव कैसा है, क्या क्या इफेक्ट मिलते हैं इनके पास और क्या क्या एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ है, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा आगे चल के। तो फिलहाल अभी हम लोग बस पोकेमोन की बात करते हैं। मैं ये बता सकता हूँ आप ये 12 सिंगा ले सकते हो, अपने टीम के लिए भी ले सकते हो, क्यों आपको आगे चल कर पता चल जाएगा कैसे। पर ये पोकेमोन बहुत ही अच्छा है, यूनिक पोकेमोन है, इसकी एबिलिटी भी थोड़ी यूनिक है, मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं बस यही कहूंगा कि बाकी सारे 12 सिंगा की तरह ये भी डोमिनेटर है। जिराटिना एक घोस्ट टाइप का एक और पोकेमोन, पहले फाइटिंग वाला अभी यहाँ पर घोस्ट वाला। जिराटिना भी बहुत ओपी होता है, एक ऑल टाइप मतलब ऑलराउंडर जैसे पोकेमोन होता है, एचपी तगड़ी होती है, डिफेंस तगड़ा होता है, स्पेशल डिफेंस भी तगड़ा होता है और पोकेमोन भी तगड़ा होता है। इसको हल्के में ना लेना, ये पोकेमोन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। हो सेम गोज, ये भी बहुत ज़्यादा ओपी होता है। हो एक्स मेरे को ज़्यादा डोमिनेटर लगता है क्योंकि एक तो प्रेशर एबिलिटी, ऊपर से तगड़ा आटो मूव, ऊपर से ठीक है डिफॉग भी लगा सकता है, तो ये इस चीज़ के लिए मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को पता है आजकल हो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है क्योंकि इसके बाद प्रेशर एबिलिटी और थोड़ा अच्छा खासा डिफेंस भी होता है और टाइप का थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। हालांकि रॉक के अगेंस्ट को ज़्यादा ही कमज़ोर है पर चल जाता है। मेगा 12 सिंगा ये वाला बहुत ज़्यादा ओपी है, फाइटिंग वाला है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा है। इसके पास 2 R2 मूव्स हैं, हालांकि पोकेमोन जो है ये एक फिजिकल अटैक टाइप है, पर इसके पास जो एक R2 मूव है वो एक्स्ट्रा है, जो स्पेशल अटैक टाइप है अल्ट्रा डिस्ट्रॉय, और जिसका फिजिकल अटैक टाइप है वो फाइटिंग टाइप R2 मूव है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वहाँ को लेके मेरे को तो, पर फिर भी ठीक ठाक ही पोकेमोन है। काउंट एक हिसाब से देखा जाए तो एक ही टाइप का है पोकेमोन, पर 2 डिफरेंट टाइप की R2 मूव्स, ये यूनिक है, बहुत कम देखने को मिलता है।
ग्लिच है या फिर जानबूझ के किया है, स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, क्या पता। स्प्रिंग सेलेबी और ये खिलौने वाला ग्राउडॉन, इन सबको लेने के सोचना है मत, ये बस टाइम वेस्ट है और इवेंट आइटम वेस्ट है। अगर किसी ने इन पोकेमॉन्स को ले लिया है, मैं कहूँगा प्लीज़ 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 इन्हें बनाना बंद कर दो, ये किसी काम के नहीं है। बस अगर आप VIP हो तो आप अपने टीम में डाल सकते हो, आपके पास बहुत ऑप्शन होता है, बहुत वक्त होता है, बहुत पैसे होते हैं, तो आप इन्हें चेंज कर सकते हो मन के हिसाब से। पर बाकी सारे अगर VIP 0 से लेकर VIP 6-7 तक की कैटेगरी में हो तो प्लीज़ इन्हें वेस्ट मत करना, इस पर कोई इनमें से लायक नहीं होता। अदर देन ये फायर हुपा, ये भी बस सिंपल सा ही होता है, पर आपके पास ये ही सेम टाइप आता है नॉर्मल हुपा के साथ, तो क्यों यहाँ पर इसको वेस्ट करना। टोटल डिफरेंट पोकेमॉन्स है, डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट शर्ट्स एक्सचेंज में आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं, इन पर अपना टाइम वेस्ट ना करना, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा किसी और पोकेमॉन पर जा सकते हो। मैं बोलना चाहूँगा मैक्सिमम यूज़र को, अगर आपको इनमें से कोई भी पोकेमॉन अच्छा नहीं लगा, सेव कर लो, आगे पोकेमॉन जो एक्सचेंज है वो रिपीट होगा, एक अच्छा पोकेमॉन एक्सचेंज आपको देखने मिलेगा और उसमें अच्छा पोकेमॉन ले लेना, उसमें बेहतरीन पोकेमॉन आपको देखने मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर बस ऐसे रेड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इस इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कार्ड्स पर रेड नहीं कर रहा, सीधा मैं जाकर कॉइन्स पर रेड कर रहा हूँ, क्योंकि कॉइन्स मेरे को फिलहाल के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना कॉइन रेड कर रहा हूँ, ताकि मेरे को जल्दी 7 स्टार करने में आसानी हो जाए। और जैसे ही मेरा 7 स्टार जाएगा और खत्म होगा, वैसे ही मैं अपने 7 स्टार गेंगार को भी खत्म कर दूंगा, और गेंगार और थोड़ा तेज़ हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, और जो डार्कर थोड़ा हमें जैसे भी इनकेस ओवरटेक कर जा रहे थे वो भी हमसे स्लो हो जाएंगे। उसके बाद कॉइन्स पर मेरे को तो इतने खास नहीं मिलते, और मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा किसी को कॉइन्स पर रेड करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि आप एनर्जी बहुत ज़्यादा लगाते हो, जिस हिसाब से आप एनर्जी लगाते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पर नहीं मिलते। पर क्योंकि फिलहाल के मेरे को कॉइन्स चाहिए और मेरे को इस इवेंट आइटम में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं, और मेरे को पता है कि एंड ऑफ द डे 7 दिन तक 100 इवेंट आइटम्स मेरे को कलेक्ट हो ही जाएंगे, और मेरे को बस वहाँ पर एक मैचअप लेना है, तो मैं ज़्यादा क्या बोलते हैं सोच नहीं रहा हूँ, बस वेस्ट किए जा रहा हूँ अपने सारी एनर्जी। जो कॉइन्स मेरे को नहीं चाहिए मैं उन पर भी रेड कर दे रहा हूँ, क्योंकि हाँ मेरे को एक्सेल के कॉइन्स चाहिए और वो मेरे को एक्सचेंज करनी पड़ेंगे जल्दी कंप्लीट करने के लिए। ये लकी रहा हमें, 3 एक ही रेड में मिल गया, तो ये तो भाई यूनिक ही है, मतलब सस्ते में ज़्यादा मिल गया। अभी हम बात करते हैं नए पोकेमॉन्स के बारे में। अब मैं यहाँ पर उनकी एबिलिटीज़, उनके मूव, ऑटो मूव, जी मूव, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी आपको देख के अच्छा लगेगा। पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरे को इनके इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड से मिली, जिसने जीजी के मदद से हमें बताया कि ये एबिलिटीज़ क्या क्या है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूज़ मिले, और मेरे को पोकेमॉन दिखा जो टीम में डाला जा सकता है, जा नहीं सकता भाई, डालना पड़ेगा उसको, ऐसा मेरे को लग रहा है, फील हो रहा है। तो पहला ये जो हमारा वो डेविल वाला पोकेमॉन है, बारासिंगा का जो अपोजिट है, ये वाला, इसका एबिलिटी आपने पहले देख लिया, आप इसका जी मूव देखो, फाइटिंग टाइप जी मूव है। फिर हमारा ये माचैम्प, ग्राउंड एंड फाइटिंग टाइप, इसका जी मूव भी फाइटिंग टाइप है, इसके इफेक्ट्स आप देख सकते हो, चाकोज इफेक्ट मतलब कन्फ्यूजन है, एक स्टेज अटैक बूस्ट, फिर चाकोज इफेक्ट, एक अच्छा हर्ट मूव है। और एबिलिटीज़ देख लो, पहले तो है वो ब्लेजिकन वाला एबिलिटी, हर्ट टर्न आपका स्पीड +1 होगा। दूसरा एबिलिटी, अगर किसी ने आपका अटैक एक स्टेज नीचे किया या फिर अटैक के साथ छेड़खानी की तो आपका अटैक बूस्ट हो जाएगा। फिश सक्शन कप, इसका मतलब ये होता है रोर और ड्रैगन टेल जैसे मूव आप पे काम नहीं करेंगे, तो मतलब रोर और स्पाइक्स डाल के यूज़ करने वाले उनके अगेंस्ट आपका पोकेमॉन टोटली बेस्ट रहेगा। अगर आपका पहला पोकेमॉन यही है तो भाई बहुत सही होगा, एक डोमिनेटर है, अटैक तगड़ा है उसका, बहुत ज़्यादा अटैक है उसका, मैं सच में बताना चाहूँगा मैक्स माचियम जितना अटैक है या फिर उससे भी ज़्यादा अटैक है, पोकेमॉन सच में बहुत ज़्यादा ओपी है। मैं तो बहुत लोगों को कहूँगा भाई अगर आप चांस हो तो उसी को बनाना, अगर डार्क सूट से हो या फिर हार्ड सूट से वही बनाना, घोस्ट सूट से हो या फिर हार्ड सूट से तो वही बनाना, महंगा पोकेमॉन है, SR कैटेगरी में आता है, पर हाँ भाई हमेशा से हम सबको बताया कि जो अच्छा हार्ड सूट का पोकेमॉन होता है वो महंगा ही होता है। बारासिंगा इसके पास भी बहुत ही ओपी एबिलिटी है, सेम डेविल वाले के पास भी थी, वंडर गार्ड, ये एक्स्ट्रा एबिलिटी है यहाँ पे, जो एक्चुअली आप पे जो सुपर इफेक्टिव मूव्स होंगे वही हिट करेंगे, बाकी सब आप पे मिस हो जाएंगे या फिर हिट करेंगे तो डैमेज नहीं पड़ेगा। सुपर इफेक्टिव मतलब देखा जाए तो स्टील टाइप और फ्लाइंग टाइप, ये दो लौते मूव्स हैं जो अगर आपको हिट करेंगे तभी आपको डैमेज देंगे, नहीं तो आपको घंटा डैमेज नहीं पड़ने वाला किसी भी पोकेमॉन से, तो ये एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। गुडरा की बात नहीं करूँगा क्योंकि देखने लायक है बस, तो उसको कोई टीम में डालेगा नहीं तो उसके बारे में बता के कोई फायदा नहीं है, उसके पास खास भी नहीं है, बस यही है सारे के सारे पोकेमॉन्स के बारे में मैंने बता दिया आपको कि सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा ओपी हैं। आप बारासिंगा के जी मूव देख लो, ये भी फाइटिंग टाइप है, सारे जो पोकेमॉन नए हैं सब में फाइटिंग टाइप जी मूव दिया गया है जो ठीक है, मतलब हाँ फाइटिंग टाइप जी मूव बहुत कम देखने मिलते हैं, पर ये इजीली वेस्ट किए जा सकते हैं घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स के मदद से। पर मैं ये देख के खुश हूँ कि बारासिंगा पे इतना बेहतर एबिलिटी डाला गया है, अब बस जकायान और जकायान ठीक है उसका नाम जकायान ही होना चाहिए, और जामा जेटा इन दोनों को भी डाल दिया जाए, उनके पास भी बहुत ही ओपी एबिलिटीज़ है। शायद जामा जेटा के पास सेम एबिलिटी है जो बारासिंगा के पास है, पर प्रॉब्लम ये है ना बारासिंगा के पास इतनी अच्छी एबिलिटी हो के भी क्या फ़ायदा, इसका तो डिफेंस 30 है और स्पेशल डिफेंस भी,
तो ये वैसे भी नहीं टिकने वाला, इसको तो डैमेज दो ना दो ये तो हक ही देता है। पर ज़ामा जेट्टा के पास जो ये एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ओपी होता है, क्योंकि उसका डिफेंस वैसे डिफेंस गॉड लेवल पे होता है, गॉड लेवल पे नहीं पर बहुत ही अच्छे लेवल पे होता है। और ज़कायन के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो कोई भी मूव मारे हमेशा सुपर इफेक्टिव ही पड़ता है, उसका अटैक भी तगड़ा है। वो पोकेमोन बहुत ज़्यादा ओपी है। अगर सोच रहे हो कि ये कौन सा पोकेमोन है जिनके बारे में बता रहा हूँ, तो भाई ये स्वॉर्ड एंड शील्ड के जो लेजेंड्स हैं, लेजेंडरीज हैं, वो पोकेमोन्स के बारे में बता रहा हूँ। एक नहीं है भेड़िया जिसके मुंह में तलवार है और एक भेड़िया जिसके गर्दन पे उसका शील्ड है, तो ये मैं ऐसे डिस्क्राइब कर पा रहा हूँ यार, मेरे को नहीं पता आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वही पोकेमोन है। मैं इनका फोटो तो यहाँ पर डाल सकता हूँ पर भाई निंटेंडो भाई साहब कुछ ना कुछ कर देंगे तो मैं नहीं डाल रहा, इसलिए यहाँ पर मैं ढूंढ के भी दिखा सकता था चाइनीज वर्सन है वो, पर थोड़ा टाइम टेकिंग होता। पर यहाँ पर दो और अल्टीमेट दिए गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक तो भाई आपने देखा एप्सोल, दूसरा हमारा लूनाला। पहले मैं इसे लूना बोलता था, ठीक है लूनाला बोलते हैं उसको। पता नहीं सर तीन अल्टीमेट हो चुके हैं लूनाला के, और यहाँ पर बहुत सारे इसका आर्टू मूव्स है भाई, तीन है सिर्फ, दो है दो है। एक तो इसके पास पहले से था शैडो फोर्स वाला, और दो नए डाले गए। पर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये मेरे को मैच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, टीम में रखने लायक है। एक तो भाई इतनी तगड़ी एबिलिटी जो हर सेकेंड आपकी स्पीड बूस्ट करे, ऊपर से सक्शन कप्स जिसके वजह से आपका जो कोई आपको रोर नहीं लगा सकता, तो ये भी सही है। वर्ल्ड विंड रोर, ड्रैगन टेल जैसे मूव्स आप पे काम नहीं करेंगे, जो ऑटोमेटिकली आपको फोर्स करते हैं पोकेमॉन चेंज करने पे, वो मूव्स काम नहीं करेंगे। तो मैं देखना चाहूँगा ये कैसे काम करेगा, इनके कोई बनाता है कि नहीं, अगर कोई नहीं बनाता तो मैं ही खुद बनाऊंगा। मेरे को ये पोकेमॉन बहुत अच्छा लगा है, लुक वाइज ये बहुत सही है, तगड़ा है, और मेरे को हमेशा से मैच चाहिए भी था। बॉडी बिल्डर वाले पोकेमॉन मेरे को बहुत पसंद है, ऊपर से ये तो भाई ग्राउंड टाइप है, अपने सूट टाइप का है ये, मेरे को पक्का पता है अगले पोकेमॉन एक्सचेंज में आएगा 100 वाले इवेंट आइटम एक्सचेंज में, और तब तक मेरे पास हो भी जाएगा। अगर कोई अच्छा पोकेमॉन नहीं आता डबल एसआर कैटेगरी में या एसआर कैटेगरी में जो मेरे को चाहिए, अगर वो नहीं आता तो मैं इस पर जंप करूँगा और मैं इसको ज़रूर लूँगा। पोकेमॉन रखने लायक है, मेगा में भी काम कर देगा, जो आर2 नहीं कर सकता वो सर मेगा भी कर जाए, मेरे को बस रखना है बस ये। मेरे को अगर आर2 में बना लेता हूँ ना मैं बहुत खुश होऊंगा, ये आर2 में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दिख रहा है। ऊपर से दो दो आर2 मूव है भाई, एक तो एक फाइटिंग टाइप आर2 में, ऊपर से रैपिड स्ट्रगलर हमेशा फर्स्ट हट हिट करेगा, और भाई इतने तेज एबिलिटी जिससे आप हर सेकंड आप मतलब हर एक टर्न आपका स्पीड जो है बूस्ट हो सकता है, ऊपर से बल्कअप, ऊपर से गॉड लेवल अटैक, ऊपर से दो ऐसे मूव जो तगड़े डैमेज देते हैं, बहुत सही है। ऊपर से फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है तो क्रिटिकल हिट वाले होल्ड आइटम्स मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, फाइटिंग टाइप में नहीं है सर, वो फ्लाइंग टाइप में, ठीक है कोई ना, फिर भी ठीक ठाक मूव्स हैं तो एबिलिटीज़ भी सही हैं। और होल्ड आइटम में फ्रेश ऑनियन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस एक चीज़ प्रॉब्लम है, मेरे को यहाँ पे ग्राउंड टाइप आर्टू मूव चाहिए था, हालांकि जो वेस्ट किया जा सकता है पर फिर भी मेरे को चाहिए था, पर ठीक है मतलब ओवरऑल सही है। डार्क टाइप है तो कोई गंगा ट्रैप भी नहीं कर पाएगा। तो भाई आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।